आईएस पूजा सिंगल को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। बेड पर 500 और 2000 के नोटों की गड्डियों के बिस्तर वाला वीडियो आप सब देख सकते हैं। वह तस्वीर ही कुछ ऐसी थी जिसने सभी को दंग कर दिया। आप सभी को बताया किस तरीके से ये वीडियो देखकर हर कोई दंग था, लेकिन जानेंगे पूजा सिंगल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें किस तरीके से झारखंड केडर के आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। पिछले 3-4 दिनों से पूजा का नाम सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईएएस पूजा सिंगल, उनके पति अभिषेक झा और अन्य करीबियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद गूगल सर्च में अभिषेक और पूजा के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। दोनों की लव स्टोरी और साथ ही साथ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। क्या है पूजा सिंगल की दूसरी शादी का सच, किस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई वो जानते हैं, पहले शादी किससे हुई थी और बाद में कैसे उनके रास्ते अलग हो गए, ये भी आपको सच्चाई बताएंगे। लेकिन चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से MBA की डिग्री लेकर लौटे अभिषेक झा और पूजा सिंगल के बीच दोस्ती और फिर शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पूजा सिंगल की अभिषेक से मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। वे दोनों फेसबुक पर मिले थे, बाद में एक जिम में आने जाने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई थी। लेकिन ऐसे में हालांकि उस समय पूजा शादीशुदा थी। रिकॉर्ड 21 साल 7 दिन में आईएएस बनने वाली पूजा सिंगल ने अपने सीनियर आईएएस राहुल पुरवार से शादी कर ली थी, लेकिन लंबे समय तक दोनों के बीच यह रिश्ता नहीं चल सका। 2-3 साल के बाद ही दोनों के बीच आपसी रिश्ते में तनाव बढ़ी, लेकिन दोस्ती कैसे बढ़ी अभिषेक से वो बताते हैं। आप सभी को बता दें कि जब तनाव बढ़ा उनका शुरुआती पहली शादी से, तो बीच में तलाक हो गया। बताते हैं कि तलाक से पहले ही पूजा और अभिषेक की दोस्ती परवान चढ़ चुकी थी। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी भी हो गई। दोनों की पारिवारिक जिंदगी भी अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन ईडी की छापेमारी ने दोनों के लिए एक नई उलझन पैदा कर दी है और इसका उनके पारिवारिक जीवन में कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें किस तरीके से चतरा में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंगल ने मनरेगा योजना से 2 NGO को 6 करोड़ रुपए दिए। विधानसभा में भी इस मामले में सवाल उठा, लेकिन ऐसे में दोस्तों यह बात आती है कि किस तरीके से उनको क्लीन चिट मिल गई थी। खूंटी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान मनरेगा में 16 करोड़ रुपए घोटाले में नाम आया, जिसकी जांच अभी ईडी कर रही है। इससे पहले पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंगल पर उषा मार्टिन ग्रुप का को कटौतिया कोल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। पूजा सिंगल झारखंड के सीनियर अधिकारी हैं, वर्तमान में उनके पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार है। इसके अलावा पूजा सिंगल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC की चेयरमैन भी हैं। पूजा सिंगल इनसे पहले भी BJP की सरकार में कृषि सचिव के पद पर तैनात थी। पूजा मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी में भी DC पद पर तैनात थी। अब देखते हैं कि पूजा सिंगल मामले पर और क्या बड़ी बातें सामने आती हैं। तो यह इनकी दूसरी शादी का सच कि जब पहली शादी हो चुकी थी तभी से कहीं ना कहीं इनके आपसी रिश्ते मजबूत होते चले गए। फिर पहली शादी से तलाक हुआ, तुरंत ही दूसरी शादी के बंधन बन गई थी अभिषेक से। लेकिन अब दोनों ही यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं, उनके करीबी रिश्तेदार भी फंसते नजर आए हैं इस मामले पर। नेक्स्ट 9 लाइफ